तो वक्त है हमारा हिमाचल का। खबरों में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले बात होगी हिमाचल प्रदेश में कोरोना का कहर नहीं थम रहा है। जी हां, आए दिन कोरोना के मामले सामने आते जा रहे हैं, जिसको लेकर प्रशासन और लोगों की चिंता भी बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि राज्य में अब तक 756 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आ चुकी है, जिनमें से 429 लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि 308 लोग अभी भी कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, यानी कि ये एक्टिव केसेस हैं। इसके इसी की वजह से, कोरोना की वजह से अब तक 6 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जान गंवा दी है। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए पालमपुर से हमारे संवाददाता अनूप धीमान लाइव जुड़ चुके हैं। अनूप, लगातार संक्रमितों के आंकड़े में इजाफा हो रहा है, ऐसे में अगर हम पालमपुर की बात कर लें तो पालमपुर का मौजूदा हाल क्या कहता है? बात है क्योंकि लगातार जो है वो हिमाचल प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव जो संख्या वो बढ़ती जा रही है, एक्टिव जो केसेस है उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। उसके सबसे मेन कारण ये है कि उसमें जो बाहरी राज्यों से लगातार जो हिमाचल के लोग हैं, जो बाहरी राज्यों में काम काज के सिलसिले में बाहर राज्यों में थे, वो लगातार हिमाचल प्रदेश का रुख कर रहे हैं और उसी के चलते जो जब भी वो जब यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ आकर के जब उनका टेस्ट हो रहा है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन है, जो हैवी लोड एरिया से आ रहे हैं उनके इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रखा जा रहा है, वहाँ उनके टेस्ट हो रहे हैं, तो वो टेस्ट जो मैक्सिमम लोगों के टेस्ट जो है पॉजिटिव आ रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा कारण है कि हिमाचल प्रदेश में लगातार जो पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं। दूसरी तरफ पूजा बात करूंगा तो अब हिमाचल प्रदेश में ये पॉलिसी बदल गई है, अब जो है वो बहुत इमरजेंसी जो इमरजेंसी या डेथ केस या मेडिकल इमरजेंसी में ही हिमाचल प्रदेश में एंट्री मिलेगी। जो ई पासिस बन रहे थे उसमें जो है वो अब ये चेंज कर दिया गया है, अब हर किसी को एंट्री नहीं मिलेगी हिमाचल प्रदेश में, तो कहीं ना कहीं। और दूसरी तरफ जो होम क्वारंटीन का जो एक प्रोविजन था उसको भी उन्होंने सरकार ने उसको बंद करने का निर्णय लिया है। और दूसरी बात कहूँ पूजा, तो अब हिमाचल प्रदेश में वही लोग आएंगे जिनको मेडिकल इमरजेंसी है या कोई डेथ केस है, उस केस में ही जो है वो ई पास इशू किया जाएगा। बहुत अगर कोई अर्जेंट होगा, किसी को आना ही होगा, तो उस केस में इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन जो है वो उनको किया जाएगा। तो ये सब चीजें हैं क्योंकि लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। अगर मैं कल की बात करूँ तो जिला कांगड़ा में कल 15 केस जो है वो आए हैं, इससे पिछले दिन 14 केस आए थे, कल 15 केस आए हैं, तो ये बहुत बड़ी संख्या है। कहीं ना कहीं सरकार को लगा है क्योंकि लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो बाहर से लोग आ रहे हैं तो उनको जो है वो किसी न किसी तरीके से अब रोका जाए, ताकि हिमाचल प्रदेश में कहीं कम्युनिटी स्प्रेडिंग की तरफ हम ना चले जाए। उस चीज को रोकने के लिए ये सारी चीजें जो है, ये सारे कदम जो है अब अनूप, पिछले दिनों प्रशासन की तरफ से बड़ी लापरवाही देखने को मिली, जिसमें तमाम ऐसे मरीज जिनका टेस्ट किया गया था, पहले वो टेस्ट निगेटिव आया हालांकि, फिर उनको घर जाने की इजाजत दे दी गई, फिर जब वो रास्ते में पहुंचे भी नहीं थे तभी पता चलता है कि नहीं, उनको रोकना पड़ेगा और उन्हें वापस से इंट्रोड्यूस जो है क्वारंटीन सेंटर्स में लाना पड़ेगा क्योंकि उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है। तो इस तरीके की लापरवाही प्रदेश के अंदर बार बार प्रशासन की तरफ से क्यों हो रही है, ये भी सवाल उठता है। देखिए पूजा, मैं बताना चाहूंगा कि इस तरह का ये अहम मामला था, हमीरपुर का मामला था, ये सीधे एक साथ 15 केसेज जो पॉजिटिव आए थे ये उस दिन का मामला है, क्योंकि जब इनके टेस्ट हुए तो हेल्थ डिपार्टमेंट ने देखा कि इनमें कोई सिम्टम्स नहीं है और ये तय कर लिया उन्होंने, बिना रिपोर्ट का इंतजार किए बिना ये तय कर लिया कि ये नेगेटिव आएंगे, लेकिन हुआ उसके उल्टा, जब वो उनका रिपोर्ट आई तो वो सारे पॉजिटिव आए और उसमें जो है वो बहुत बड़ी लापरवाही जो हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से की गई थी, उनको सबको घर भेज दिया गया था। उसके बाद एकाएक जैसे रिपोर्ट आती है तो उनको सबको कोविड केयर सेंटर जो हिमाचल प्रदेश में अलग अलग जगहों पर बनाए गए हैं, तो उनको हमीरपुर में कोविड केयर सेंटर में उनको जो है वो भेजा गया, उसके बाद और जो घर के लोग थे उनको क्वारंटीन किया गया। तो ये सब चीजें हैं, कहीं ना कहीं हेल्थ डिपार्टमेंट में इसमें लापरवाही की थी, लेकिन उसके बाद सरकार ने इसके ऊपर जो है वो बड़ी सख्ती से इस चीज को जो है वो लिया था और बड़ी ध्यानपूर्वक सारी हेल्थ डिपार्टमेंट की काउंसलिंग की गई थी। लेकिन इस तरीके की लापरवाही नहीं होनी चाहिए, और क्योंकि एक लापरवाही कईयों की जान का सबब बनती है। बहुत बहुत धन्यवाद अनूप हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए।